ये पैमाना कैसे लग रखे छोटे टुकड़े, ये क्यों भाई, ये कह के लिए है? कोई नहीं आया, फ्रॉड है। तब सर उसको पकड़ा, उसको बोला अपना आईडी दिखाओ, एनपीआरसी से बात करो, तो वो भागने लगा। फिर उसको खेत में जाके पकड़ा सर। मैं इसलिए अभी अलग आया था। नहीं नहीं, आपसे तो मतलब ही नहीं है। मतलब जरा जी, पर्ची उठी में डाल दी। चलो फिर भाई, पूरा मामला सर, जैसे हमारे स्कूल में टीचर नहीं आते हैं, मतलब जो भी टीचर नहीं आते हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो जिसमें तीन तीन टीचर हैं, एक ही टीचर मतलब प्रेजेंट है और बाकी एब्सेंट है। सर मैं उनका आधार कार्ड लेके और उनका नाम लेके उसके बाद उनके कंप्लेंट कर, मतलब कोई जैसे इनका विभाग है। कौन हो तुम, कौन हो तुम, स्कूल के क्या बीएससी ऑफिस का कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो? नहीं सर, मतलब मैं जब जो भी कुछ होता है, जैसे गलत तो हमारे साथ ही हो रहा है ना, तुम कौन हो? हमारे परिवार के बच्चे डिजिटल सिग्नेचर लेने का क्या मतलब, मतलब वो हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है इसमें? नहीं, डिजिटल सिग्नेचर लेने का क्या मतलब, तुम वो सिग्नेचर एक तो दिखावा है, कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं है सर। वो क्या है, वो कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा था सिर्फ आधार कार्ड। कितने टीचरों का आपने ऐसे लिया है? चार टीचरों को लिया। क्यों लिया था सर? वहाँ पे हम चारों स्कूल में गए थे, वहाँ पे तीन टीचर। क्या इनके खातों से पैसा उड़ाने की आपकी मंशा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप चेक करके देख लो, मेरे पास कोई भी डाटा हो। अभी कोतवाली पुलिस पकड़ के आई है, कोतवाली ने आपको पकड़ लिया। सर मेरे पास अगर कोई डाटा हो आपके सामने, जो भी चेक कर लो, जो भी है आपको, जो भी है मेरे आपके सामने। आप क्या मानते हैं, सही कर रहे थे आप? सर सही है, क्योंकि आप बहुत सारे स्कूल में टीचर नहीं आ रहे हैं। आप क्या कर्मचारी हो वहाँ के, अधिकारी हो, क्या हो? हम आदमी, आम आदमी ना, आवाज तो आम आदमी आप कैसे करेगा उसको? गलत काम करने के लिए आवाज तो उठा सकते हैं ना सर। रूबी शाक्या, मैं प्राथमिक विद्यालय नौराई प्रथम में सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हूं। रूबी जी, क्या हुआ है, कोई बताया? फ्रॉड, कोई स्कूल में फ्रॉड करने के लिए आया था जी? आज जब शिक्षण कार्य चल रहा था हमारे स्कूल में, तो एक बंदा आता है, बोलता है मैं बीएसए ऑफिस से हूं और आपके स्कूल में फिंगरप्रिंट मशीन का इंस्टॉलेशन कर रहा है, तो उसके लिए आपका फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड चाहिए ताकि वो लिंक हो सके। तो मुझे वो पढ़ा लिखा और लग रहा था ऐसा विभाग से है, मैंने उसको अपने डिटेल्स दे दिए, फिंगरप्रिंट भी दे दिया। उसके बाद मैंने अपने एनपीआरसी को फोन किया, मैंने कहा विभाग से ऐसे ऐसे आए हैं, तो कुछ कार्रवाई चल रही है क्या इस तरह की? तो उन्होंने मुझे मना किया, इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं है, आप मत शेयर कीजिएगा। फर्जी बीएसए बन के तो नहीं आई? बीएसए ऑफिस से आया हूँ ऐसे बोला। अधिकारी हम जानते हैं बीएसए हमारे कौन है, अधिकारी बनकर क्या है? हाँ, बीएसए ऑफिस से आया था। बीएसए क्या मकसद था इसका आपके साथ इस तरीके से? हमसे तो उसने यही बोला कि आपको फिंगरप्रिंट मशीन इंस्टॉल करना है और आप अपना डिटेल्स हमको दे दीजिए। तो हमने वही सोचा कि कार्रवाई चल रहा होगा बीएसए ऑफिस में, क्योंकि आती रहती है ऐसी खबरें कि आपके स्कूल में फिंगरप्रिंट मशीन इंस्टॉल करानी है। कितने और स्कूलों की लिस्ट थी इसके पास में? उसके पास हमारे लालगढ़ी के नए पंचायत लालगढ़ी के कई स्कूलों का लिस्ट था। तो कुछ शिक्षकों का ले भी लिया उसने? जी सर, उसमें आगे थे भी और टीचर्स के नाम, आधार कार्ड सब लिखा हुआ था और उसमें तभी मैंने वो सब भी मैंने देखा पीछे, उसके बाद मैंने अपना डिटेल दिया था। आपने कैसे पकड़ लिया इसको? उसके बाद मैंने अपने एनपीआरसी को फोन किया, मैंने कहा एक बार कंफर्म कर लेती हूँ ऐसा कुछ चल रहा है क्या, कार्रवाई चल रही है? तो मैंने जब उनको फोन किया तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्रॉड है। तो जब मैंने उसको बोला कि मैंने कहा एक बार अपना आईडी दिखाओ, उसने नहीं दिखाया। उसने मुझे ये भी बोला अपने एनपीआरसी से बात करो, वो नाम हम सब जानता था उनका। जी, जी। तो जैसे ही मैंने कहा ठीक है बात करो उनसे, जब मैंने फोन जैसे ही उसको लगाया, उसने अपना सारा सामान रखा बैग में, मशीन वगैरह, और भाग लिया। क्या नाम था इसका? सर नाम तो उसने नहीं बताया मुझे अभी, तो मगर फिर हम गांव वालों को मैंने आवाज लगाई तो दो चार लोगों ने उसको पकड़ा बिठाया, 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आई, उसको गिरफ्तार करके देहात कोतवाली। पब्लिक के लोगों ने पीटा भी, बताया जा रहा है इसको? हाँ सर, पकड़ा तो उसको थोड़ा मारा। बिल्कुल।